बेटी के साथ किसने ऐसा किया था? लाजो, कहाँ मर गई तू? पानी भरने के बहाने कितनी देर जाकर बाहर गप्पे लड़ाती रहती है, उसके पति हरिया ने चिल्लाते हुए कहा, तो बाहर खड़ी लाजो ने भी सुनकर अनसुना कर दिया। यह तो उसका रोज का ही था, और ऊपर से आज लाजो ने उसे शराब पीने के लिए रुपए नहीं दिए थे, और इसीलिए वो और भी उखड़ा हुआ था। जब वो पानी भरकर घर के भीतर आई तो हरिया चिल्लाते हुए कहने लगा कि बरसात आने से पहले छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेती तू? आखिर इतने रुपए बचाकर करेगी क्या? मैं पीने के लिए रुपए मांगता हूँ तो भी नहीं देती है, और घर का कोई काम भी नहीं करवा रही है। लाजो को भी अब गुस्सा आ गया। उसने पानी की बाल्टी को एक किनारे रखते हुए गुस्से में कहा, अरे मैं अकेली जान क्या क्या संभालूं? ये गृहस्थी केवल मेरी ही है क्या? घर में राशन पानी भी मैं ही भरती हूँ, बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी मैं ही उठा रही हूँ। ऊपर से तो जब तब दारू पीने के लिए मुझसे हर बार रुपए छीन कर ले जाता है, तो मैं घर का एक्स्ट्रा काम कैसे करवाऊं? या नहीं होता कि खुद भी कुछ ढंग का काम करे और घर चलाने में मेरी मदद ही कर दे? यह सुनकर हरिया गुस्से में आग बबूला हो उठा और कहने लगा, चार पैसे क्या कमाने लगी, इतनी अकड़ दिखा रही है। मत भूल कि सालों से यह घर मैं ही चला रहा हूँ, और किसने कहा था ये नेहा को पढ़ाने के लिए? आखिर पढ़कर करेगी क्या? मैं तो कहता हूँ उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दे, चार पैसे की बचत भी होगी और मेरी दवा दारू का भी इंतजाम आराम से हो जाएगा। उसकी बेशर्मी देख लाजो की आंखें गुस्से में दहकने लगी और वह चिल्लाते हुए बोली कि तुम्हारी दारू के लिए मैं अपनी बेटी की पढ़ाई बंद नहीं करवा सकती। इतना सुनना था कि हरिया का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, उसके सब्र की सीमा समाप्त हो गई और वह उस पर टूट पड़ा। वो पत्नी को बेतहाशा पीटने लगा। तभी लाजो की 11 वर्षीय बेटी नेहा ट्यूशन से घर पहुंच गई। अपने पिता का रौद्र रूप देखकर उसने अपना बैग एक किनारे रखा और बीच में आकर माँ को बचाने लगी। उसने पिता को दूर धकेल दिया। इस धक्के ने हरिया का गुस्सा और भी भड़का दिया। वो कहने लगा कि अच्छा तो तेरे हाथ पैर में भी ताकत आ गई है, रुक मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। वो नेहा की तरफ झपटा। तभी कुछ पड़ोसी शोर शराबा सुनकर घर के भीतर पहुँच गए और बीच बचाव करके उन्होंने किसी तरह मामले को शांत किया। हरिया गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। लाजो की आंख से आंसू बहने लगे। नेहा कहने लगी, माँ जब घर तुम खुद चला रही हो तो ऐसे इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती? लाजो कहने लगी कि बेटा मुझे भी ऐसे इंसान के साथ रहने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए जाऊं। कुछ भी है, कम से कम घर में मर्द के रहने से औरतों की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लाजो ये सोचती थी कि समाज की नजरों में ही सही, घर में मर्द नाम का संरक्षण तो है, लेकिन उसे नहीं पता था यही मर्द एक दिन क्या गुल खिलाने वाला है। एक दिन लाजो सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। वह कंपनी में सिलाई का काम किया करती थी। उसके पास इतना काम जमा हो गया था कि जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। सुपरवाइजर उसे जल्दी से काम आगे बढ़ाने के लिए कह रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर उसकी पड़ोसन थी। पड़ोसन की बात सुनते ही उसके हाथों से फोन छूट कर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सुपरवाइजर दौड़ते हुए उसके पास आए और कहने लगे, क्या हुआ लाजो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ये अचानक से तुम रो क्यों रही हो? लाजो सिसकते हुए कहने लगी कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना होगा, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, मेरी पड़ोसन का फोन आया था। सुपरवाइजर ने तुरंत ही उसे गेट पास ला कर दिया और लाजो अपना पर्स उठाकर तेजी से बाहर निकल आई। ऑटो में बैठे हुए उसका दिमाग घूमने लगा। उसकी पड़ोसन ने कहा कि वह लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसने तुरंत ही अपने पति हरिया को फोन लगाया और कहने लगी कि हरिया तुम कहाँ हो, नेहा की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। रास्ते भर वो अपने आंसू पोंछती रही। आंसुओं से भीगकर उसका आंचल भी गीला हो चुका था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। नेहा उसकी इकलौती बेटी थी और अब तो वो 5वीं कक्षा में आ गई थी। लाजो अपनी बेटी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया था कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाजो हॉस्पिटल पहुंची तो नेहा का इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि नेहा को किसी ने कुछ मिलाकर पिला दिया है। यह सुनकर वह सन्न रह गई और रोते हुए सोचने लगी कि बेटी आखिर वह पापी कौन था जिसने तेरे साथ ऐसा किया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी की दुश्मनी किससे हो सकती है। तभी हरिया भी वहां पहुंच गया और वह घबराया हुआ सा एक कोने में खड़ा हो गया। धीरे धीरे नेहा को होश आने लगा। उसे होश में आते हुए देखकर उसका बाप घबराने लगा। माँ दौड़ती हुई उसके पास गई तो बेटी ने जो बताया उसे सुनकर वो बर्फ की भांति जम गई। बेटी ने बताया कि माँ पापा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे तो लगता है कि पापा ने ही कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे दिया था। लाजो ने जैसे ही पलट कर अपने पति की ओर देखा तो उसके पति के माथे पर पसीने की बूंदे देखकर वह सब कुछ समझ गई। हरिया कांपते स्वर में पूछने लगा,
क्या हुआ लाजो, बिटिया रानी क्या कह रही है? तो लाजो पहले बेटी की ओर मुड़ी और अपनी उंगली से उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, कुछ नहीं, नेहा कह रही है कि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। यह सुनकर हरिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद नेहा को कुछ पता नहीं चला है और वो वहीं पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने झोले में से पानी की बोतल निकालकर पानी पीकर गला तर किया। अब वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, वरना उसे तो डर लग रहा था कि नेहा अगर बच गई और उसने उसका नाम ले लिया तो वह बुरी तरह से फंस जाएगा। लेकिन अब उसे लग रहा था कि नेहा को कुछ पता ही नहीं चल पाया है। खैर, लाजो अपने पति की सच्चाई जानने के बाद अब अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसके पति ने एक बार ऐसी हरकत करने की कोशिश की है तो वह अगली बार फिर से कोशिश कर सकता है। इसलिए वह चुपचाप अपनी बेटी के पास बैठकर उसके माथे को सहलाने लगी। थोड़ी देर में नेहा नींद की आगोश में समा गई तो लाजो ने कहा कि सुनो, घर जाओ और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, मैं नेहा के पास रुकती हूँ। आज हरिया आकर नहीं दिखा रहा था, वह भीगी बिल्ली बना हुआ था। वह चुपचाप सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम बिटिया रानी के पास रहो, मैं अभी घर से खाना बनाकर ले आता हूँ। वो वहाँ से चला गया। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। नेहा ने पुलिस के सामने अपना बयान दिया। पुलिस ने तुरंत ही जाकर हरिया को गिरफ्तार कर लिया। हरिया को तो कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से यह सब क्या हो गया। जब थाने में उसकी मरम्मत हुई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि जब भी वो अपनी पत्नी से मार पिटाई करता था तो नेहा बीच में आ जाती थी और उसके पुरुषत्व को चोट पहुंचती थी, इसलिए उसने नेहा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। वैसे भी उसे बेटी नहीं चाहिए थी और ऊपर से अब वह बड़ी होने के बाद पिता का ही विरोध कर रही थी, इसलिए वो उसे रास्ते से हटा देना चाहता था। इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि एक तो गलती खुद करते हो और गलत करने से रोकने वाले को भी रास्ते से हटाने की बात करते हो। आज से तुम खुद ही माँ और बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओगे। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी न थी। हरिया को उसके किए की सजा मिली। इधर लाजो को बस एक बात का ही सुकून था कि हरिया अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ था और उसकी बेटी सही सलामत थी। उसके बाद माँ बेटी दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लाजो पहले की तरह ही अपने काम पर जाती रही और उसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दी। आज उसकी बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और लाजो घर पर आराम से रहती है। इतने सालों के बाद आज भी वो सोचती है कि अगर उसने पहले ही ऐसे निकम्मे और घरेलू हिंसा करने वाले पति से दूरी बना ली होती तो शायद उसकी बेटी की जान पर कभी बात आती ही नहीं। लेकिन शुरुआत में तो उसे यही लगता था कि घर में मर्द का संरक्षण होना जरूरी है, लेकिन जब वही मर्द बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि घर में गलत इंसान के साथ रहना भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वो तो नेहा की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, लेकिन अगर इसी चक्कर में बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या लाजो कभी खुद को माफ कर पाती? शायद नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी के गलत लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाया जाए उतना ही अच्छा होता है। आज माँ बेटी दोनों एक सुकून की जिंदगी जी रही हैं और उनके लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, बुरा करने वाले चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, यदि बचाने वाला ईश्वर साथ हो तो फिर वह अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता, उल्टा अपने द्वारा खोदे हुए गड्ढे में वह खुद ही गिर जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।